उल्हासनगरमध्ये दिवसा ढवळ्या भर चौकात खुनाचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. जुन्या रागातून हा खून झाल्याची माहिती उल्हासनगर पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. उल्हासनगर परिसरात दिवसा ढवळ्या 33 वर्षीय युवकाचा खून झाल्याची घटना घडली आहे. वशिष्ठ राम रहीम यादव असं या मृत तरुणाचं नाव आहे. मृत तरुण हा आझाद नगरचा रहिवासी होता. खुनाचे आरोपी सध्या फरार आहेत, मात्र जुन्या रागातून हा खून झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. सध्या उल्हासनगर शहरात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा धुरळा उडाल्याचं चित्र आहे. गुंड, गुन्हेगारी, मवाली, दरोडेखोरांवर पोलिसांचा कसलाही वचक राहिलेला नाही, ज्यामुळे संपूर्ण शहरात भीतीचं वातावरण आहे. मेरा नाम ब्रिजेश यादव है. मेरे भाई को सुधीर के लोग मिल के मारे सब और जान से ख़त्म कर दिए. वो मेरी वाइफ है और मेरे उसकी वाइफ है जो संतुलन खो बैठे है, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है उनका. वजह क्या है? वजह मेरे ऊपर जानलेवा हमला और वजह इनका जो पहले का रंजिश था क्या था कुछ मालूम नहीं, लेकिन हमारे ऊपर ज़्यादा खार खार के रखे थे वो लोग ने. पहले का कंप्लेंट सब वगैरह था मेरे पास, सब है. मैं 7-8 बार कंप्लेंट भी कर चुका हूँ तो भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया. और उसके बावजूद भी मैं एक कंप्लेंट अभी 4 दिन पहले हुआ था, उसमें भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ. आज मेरे भाई की जान चली गई. मैं बोलता था उनको पकड़ो पकड़ो, लेकिन नहीं पकड़ते थे. कैसे आपके भाई के ऊपर कैसे हमला किया उन लोगों ने? अभी मैं देखा नहीं, उधर जो चौक पे हुआ था वहाँ सीसीटीवी जो है वहाँ पे उन सब मालूम पड़ जाएगा. नहीं, किसी हथियार वगैरह से? हाँ, हथियार से, चाकू से ही, हथियार से धड़ाधड़ वार हुआ है. भाई क्या काम करता था? सेल्समैन, मार्केटिंग कर रहा था. वो मार्केटिंग कर रहा था, इसके लिए वो पैदल घूम रहा था. मैं बोला था बाइक लेके जा, लेकिन बाइक नहीं लेके गया. आज पैदल घूम रहा था. वो पैदल घूमने के चक्कर में आज उन्होंने ढाक बना के रखा था और सीधा वो लोग ने सीधा ख़त्म कर दिया. क्या तुम्हारे भाई का नाम क्या है? वशिष्ठ यादव.